गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटी में चैप्टर थर्ड का आज ये सेवंथ वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगा चैप्टर थर्ड का। व्यूहरचनात्मक प्रबंध, प्रबंध की तकनीकें चल रही हैं। व्यूहरचनात्मक प्रबंध की कलम में विशेषताएं देखी थी, ये देखा था कि व्यूहरचनात्मक प्रबंध क्या होता है। आज देखते हैं व्यूहरचनात्मक प्रबंध का महत्व या लाभ। एक ही बात है, महत्व कह सकते हैं, लाभ कह सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यूहरचनात्मक प्रबंध द्वारा व्यवसाय का कुशल संचालन संभव हो पाता है। क्यों हो पाता है? देखिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रबंध से परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आगे क्या परिवर्तन होने वाले हैं, उन परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए नव प्रवर्तन किया जा सकता है। नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए नव प्रवर्तन किया जा सकता है तथा भविष्य का अनुमान लगाते हुए जोखिम को कम किया जा सकता है। यानी इसके द्वारा परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है, अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है और भविष्य में आने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है, खतरों का पता लगाया जा सकता है। इसलिए व्यवसाय का कुशल संचालन संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्यों की स्पष्टता एवं प्रेरणा। व्यूहरचनात्मक प्रबंध द्वारा संस्था के कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्यों की जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब व्यूहरचना तैयार की जाती है तो उद्देश्य स्पष्ट होता है। सभी कर्मचारियों को उद्देश्य के बारे में पता होता है तो व्यूहरचनात्मक प्रबंध द्वारा संस्था के कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार कर्मचारियों को यह ज्ञात हो जाता है कि संगठन उनसे क्या पाना चाहता है, संगठन उनसे क्या अपेक्षा करता है, यह ज्ञान कर्मचारियों को हो जाता है। इसलिए वे स्वयं प्रेरित होकर उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए उद्देश्य स्पष्ट होने से कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। थर्ड देखिए, चुनौतियों का सामना व अवसरों का लाभ। व्यूहरचनात्मक प्रबंध द्वारा न केवल चुनौतियों का सामना किया जा सकता है बल्कि बाजार में उपलब्ध विभिन्न अवसरों का लाभ भी उठाया जा सकता है। तो व्यूहरचनात्मक प्रबंध द्वारा न केवल चुनौतियों का सामना किया जा सकता है बल्कि अवसरों का लाभ भी उठाया जा सकता है। यह प्रणाली प्रबंधकों को बेहतर प्रबंध करने और वातावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होती है। यह प्रणाली प्रबंधकों को बेहतर प्रबंध करने और वातावरण के साथ सामंजस्य तालमेल बनाए रखने में सहायक होती है। इसलिए आसानी से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायक। सर्वश्रेष्ठ निर्णय में यानी निर्णय लेने में सहायक होती है प्रणाली। कैसे होती है? देखिए, व्यूहरचनात्मक प्रबंध प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। यह उन्हें आवश्यक समंक और सूचनाएं प्रदान करता है। यह उनको आवश्यक समंक, समंक मीन्स आंकड़े और सूचनाएं प्रदान करता है। मुख्य समस्या की जांच करने में सहायता प्रदान करता है। जो मुख्य समस्या है, जो जटिल समस्या है, उसकी जांच करने में सहायता प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प को दर्शाता है। एक कार्य को करने के कई विकल्प हो सकते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है?
प्रणाली इस बात को दर्शाती है तथा प्रबंधकों को भविष्य के बारे में सोचने के लिए बाध्य करता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेना आसान हो जाता है। देखिए, दो तीन बात आपको ध्यान में रखनी है। व्यूहरचनात्मक प्रबंध प्रबंधकों को आवश्यक समझ और सूचनाएं उपलब्ध कराता है, मुख्य समस्या की जांच करने में सहायता प्रदान करता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को दर्शाता है। इसलिए प्रबंधकों को निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, संगठन की क्षमता में वृद्धि, कैपेसिटी में वृद्धि। व्यूहरचनात्मक प्रबंध वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ये बात ऊपर आ चुकी है कि व्यूहरचनात्मक प्रबंध वातावरण के साथ में बेहतर तालमेल स्थापित करता है। कार्य निष्पादन के संघर्ष को कम करता है। कार्य निष्पादन में अगर कोई समस्या है, कोई स्ट्रगल आ रहे हैं, ऐसे संघर्ष को कम करता है। कार्य के दोहराव पर रोक लगाता है। एक ही काम दो बार ना हो, क्योंकि एक ही काम जब दो बार होता है तो समय नष्ट होता है, प्रयास बेकार चले जाते हैं, धन नष्ट हो जाता है। इसलिए एक ही काम दो बार हो, उस पर रोक लगाता है, जिससे संगठन की योग्यता और संगठन की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार। व्यूहरचनात्मक प्रबंध द्वारा कर्मचारियों को उद्देश्य का स्पष्टीकरण हो जाता है। ये बात पहले आ चुकी है कि इस प्रबंध प्रणाली के द्वारा कर्मचारियों को उद्देश्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। वे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रेरित होकर अपना कार्य करते हैं। कर्मचारियों को समय समय पर उत्पादकता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उत्पादन ज्यादा होता है या जो कर्मचारी ज्यादा उत्पादन करता है, तो ऐसे कर्मचारियों को संस्था के द्वारा उत्पादकता पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिससे कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार आता है और कर्मचारी स्व प्रेरित होकर कार्य को करने में रुचि लेते हैं। और लास्ट देखिए, परिवर्तनों के विरोध में कमी। देखो बच्चों, जब भी किसी संगठन में कोई परिवर्तन किया जाता है, वहां के कर्मचारी उस परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्योंकि परिवर्तन से वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए परिवर्तन का विरोध करते हैं। लेकिन व्यूहरचनात्मक प्रबंध प्रणाली परिवर्तनों के विरोध में प्रतिरोध में कमी लाती है। कैसे लाती है? देखिए, व्यूहरचनात्मक प्रबंध परिवर्तनों को लागू करने में सहायक होता है, क्योंकि यह कर्मचारियों से विचार विमर्श कर उनकी भ्रांतियों को दूर करता है। कर्मचारियों से विचार विमर्श करता है, उनकी कोई भ्रांतियां हैं परिवर्तन के बारे में तो उनको दूर करता है। कर्मचारियों को संस्था में होने वाले परिवर्तन के लाभ बताता है, इसलिए कर्मचारी परिवर्तन को आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको यह कहा जाए कि आपका स्कूल टाइमिंग एक घंटा या दो घंटे ज्यादा रहेगा, आपको पांच घंटे की जगह स्कूल में सात घंटे का टाइम देना है, हो सकता है आप इसका विरोध करें, क्योंकि यह परिवर्तन है आपके लिए नया है, आप इस परिवर्तन में आपको असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको दो घंटे ज्यादा देने के अगर बेनिफिट बताए जाए कि दो घंटे आप एक्स्ट्रा रुकेंगे तो इसके आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो आप उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो परिवर्तनों को लागू करने में भी व्यूहरचनात्मक प्रबंध सहायक होता है। ये अपना थर्ड चैप्टर आज यहां कंप्लीट होता है, ये पूरा होता है। इसके नोट्स आज मैं आपको भिजवा दूंगा। जो नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं आपको एजिटिव उतारने हैं। एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था कि सर
पेज नंबर 18 की कॉपी भेजनी है। पेज नंबर 18 में केवल एक ही लाइन लिखी है, एक लाइन आप छोड़ दें, छोड़ के आप आगे का कर लें, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। वो पेज नंबर 18 पूरा खाली पड़ा, एक ही लाइन है उसके अंदर, इसलिए मैंने आपको उसकी कॉपी नहीं दी इसकी। तो पेज नंबर 18 एक लाइन आप ब्लैंक रख देंगे, उसको मैं कंप्लीट ऑफलाइन क्लास चलाऊंगे तो उसको कंप्लीट करा दूंगा। तो चैप्टर 3 आज कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 मोटिवेशन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही, ओके थैंक्स। आपको जो नोट्स भेजे जा रहे हैं, आपको फिर से बता रहा हूं कि नोट्स की कॉपी में एक एक पेज को, दो दो पेज को डेली नोट करते रहा करो, क्योंकि एक चैप्टर को पूरा होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। 5 दिन में 7 दिन में आप आसानी से एक चैप्टर को आप कॉपी कर सकते हैं। एक एक दो दो पेज में अगर डेली कॉपी करेंगे तो आप एक चैप्टर आसानी से 5-6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसका फायदा यह होगा कि ऑफलाइन क्लास जब आपकी होगी तो हमारे को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास टाइम कम रहेगा। कम टाइम रहेगा तो शायद नोट्स लिखाना, समझाना, इसमें समय ज्यादा लगेगा। आपके पास पहले से नोट्स होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट्स टाइम टू टाइम अपने नोट्स की कॉपी में आप उतार दें। आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाय फोन, बाय मैसेज, या कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आकर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक्स।